खूबसूरत कम उम्र लड़की देख लें और ठीक ठाक कैसे लगा दें जायज में। है तो एक कम उम्र खूबसूरत लड़की नहीं है सर। अरे हमने तो हमेशा मिलके साथ काम किया है और 50-50 में किया है, आपको पता है। याद है ना आपको बुढ़िया के घर डाका? शादाबाजी को समझा के फिर नया के बारे में सारी चीज़ें। हाँ समझा तो दिया था वैसे, लेकिन अगर उन्हें फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी ना तो अम्मा हैं घर पे, वो उनसे पूछ लेंगे। यार मैं चाह नहीं रहा उस भाई में गड़बड़ हो, सब हाथों के पीछे पड़े ना उनके, हल्की सी भी ऊँच नहीं चुनना फौरन निकलवा देंगे। तो गाइस प्रोमो के रिव्यू से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मायरी की आने वाली एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि रहीला को पुलिस वाला फ़ोन करके कहता है कि मेरे लिए किसी कम उम्र लड़की का रिश्ता ढूंढें और जो कम उम्र भी हो और जहेज में मुझे पैसे भी काफ़ी सारे मिल जाएं। तो हमने तो पहले भी मिलकर काम किया है आपके लिए, मैंने उस बूढ़ी खातून के घर में डाका डलवाया था। तो रहीला कहती है कि मेरे पास रिश्ता है, वो फैमी फूफो की बेटी का रिश्ता पुलिस वाले से करवाना चाहती है क्योंकि पुलिस वाला उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि उसके कहने पर उसने पहले वहाँ पर डाका डलवाया था। तो रहीला को उसकी बात माननी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या रहीला इसमें कामयाब होती है या नहीं। दूसरी तरफ फाइनली इन्होंने अपने घर में काम वाली रख ली है जो कि इन्हें बहुत पहले ही रख लेनी चाहिए थी। तो फाखिर कहता है कि क्या, एनी से पूछता है कि क्या तुमने काम वाली को सारे काम समझा दिए हैं, ये ना हो कि उससे कोई ऊंच नीच हो गई तो घर वाले उसको फ़ौरन से पहले निकाल देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या फैमी पुप्पो की बेटी का ऐमन का रिश्ता पुलिस वाले से होता है या नहीं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।